पेश है इस बुलेटिन में राजस्थान की बड़ी खबरें। हम आपके लिए इस बुलेटिन में लेकर आए हैं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की भी प्रमुख खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान के सियासी घमासान को लेकर प्रमुख खबरों पर। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि पिछले कुछ समय से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई राज्य सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो जनमत का घोर अपमान और संवैधानिक मूल्यों की खुली अवहेलना है। राजस्थान में भी सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के नेता और हमारे दल के अति महत्वाकांक्षी नेता भी शामिल हैं। जोधपुर में मुख्यमंत्री के रिश्तेदार पर हुई ईडी की कार्यवाही पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के आरोपों पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है। नेताओं ने कहा कि गहलोत सरकार के दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। कटारिया की आवास पर हुई बैठक के बाद प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि जो आरोप प्रदेश की गहलोत सरकार केंद्र सरकार पर लगा रही है, वैसे ही आरोप गहलोत सरकार पर भी आसानी से लगाए जा सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में भी गहलोत सरकार एसओजी और एसीबी का गलत इस्तेमाल कर रही है। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को यह भी लिखा कि मुझे पता नहीं है कि किस हद तक यह आपकी जानकारी में है या आपको गुमराह किया जा रहा है। इतिहास ऐसे कृत्य में भागीदार बनने वालों को कभी माफ नहीं करेगा। गहलोत ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सच्चाई के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत होगी और हमारी सरकार सुशासन देते हुए अपना कार्य पूरा करेगी। विशिष्ट खुफिया जानकारी पर कड़ी कार्यवाही करते हुए वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय ने राजस्थान के कोटा में चलाए जा रहे एक कारखाने के जरिए सिगरेट के अवैध धंधे का भंडाफोड़ किया है। मामले की प्रारंभिक जांच में अब तक इसमें 72 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी का खुलासा हुआ है। राजस्थान में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। सचिन पायलट ने विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी की ओर से जारी नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 24 जुलाई तक फौरी राहत मिल गई। फिर स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर मामले में हस्तक्षेप की मांग की। अब राजस्थान के स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ने बेंच का गठन भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस किशन मुरारी की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जस्टिस बी.आर. गवई भी बेंच में शामिल रहेंगे। वर्तमान में स्वीकृत लक्ष्य 25% के अनुरूप चने की खरीद पूरी किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश के किसान गुरुवार को दिल्ली कूच करेंगे। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि आज गुरुवार को किसान ट्रैक्टर से दुदू में जुटने शुरू हो जाएंगे। जाट ने कहा कि चने के समर्थन मूल्य एवं बाजार भाव में लगभग 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर चल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र में लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में दल बदल निरोधक कानून बनाया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसमें संशोधन किया था। उस कानून और संशोधन की भावनाओं और जनहित को दरकिनार कर पिछले कुछ समय से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई राज्य सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हुए घटनाक्रम इसके उदाहरण है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए तीनों मंत्रियों के सचिवालय सेवा के स्टाफ को एपीओ कर दिया है। गौरतलब है कि सीएम अशोक गहलोत ने गत दिनों सचिन पायलट, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। आज इनके जिन स्टाफ को एपीओ किया गया है उसमें निजी सचिव राघवेंद्र पारिक, एसओ महावीर प्रसाद सोनी, अनुभाग अधिकारी दिनेश शर्मा, एसओ राजेंद्र शेखावत तथा सुरेंद्र शर्मा शामिल हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उन पर भाजपा में जाने के लिए धन की पेशकश करने का आरोप लगाने वाले कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से 1 रुपए और लिखित माफी की मांग की है। पायलट ने अपने वकील के जरिए मलिंगा को 7 दिन के भीतर प्रेस में लिखित माफी मांगने का एक कानूनी नोटिस भेजा है। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के लिए विधायकों की कथित खरीद फरोख्त संबंधी ऑडियो टेप मामले में गिरफ्तार संजय जैन को जयपुर की एक अदालत ने बुधवार को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। उधर हरियाणा के मानेसर में कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा को ढूंढने गई राजस्थान पुलिस के विशेष कार्यबल को विधायक नहीं मिले। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटरों से पूछताछ करने के लिए एसओजी की एक टीम जयपुर से पीलीबंगा पुलिस थाना में पहुंची। पुलिस ने दोनों युवकों को एक देसी पिस्तौल और कारतूस के जखीरे सहित दबोच लिया था।
पीलीबंगा थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि एसओजी जयपुर के एएसपी सुभाष मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम शूटरों राहुल उर्फ मिनी पेट्रोल और अंकित उर्फ भानु से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि बुधवार दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके 27 जुलाई तक रिमांड पर लिया गया है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा पुलिस थाना क्षेत्र में हनुमानगढ़ मार्ग पर बुधवार दोपहर कार की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने कार चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मृतक 33 वर्षीय संतोष निवासी उत्तर प्रदेश था। कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार शाम प्रदेश के जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य चिकित्सा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर चर्चा की। इस दौरान चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना रोगियों को ठीक करने में प्लाज्मा थेरेपी 100% कारगर है, इसे जगह जगह शुरू किया जाए ताकि रोगियों की जान बचाई जा सके। श्रीगंगानगर से वीसी में जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर गुंजन सोनी, पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, सीएमएचओ गिरधारी लाल मेहडा, पीएमओ डॉक्टर केएस कामरा आदि उपस्थित थे। हनुमानगढ़ जिले में गोलूवाला पुलिस थाना क्षेत्र के गांव अयालकी में रहने वाले एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। पीड़ित सुरेश सहारण ने रिपोर्ट दी कि हजूर सिंह ने उससे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, अब देने से इनकार कर दिया। श्री गंगानगर नगर विकास न्यास आधारभूत सुविधाओं को लेकर शीघ्र ही मास्टर प्लान में आरक्षित OCF व PU भूमि की आवप्ति जल्द करेगा। यह निर्णय गत दिनों न्यास की बैठक में लिया गया। सचिव डॉक्टर हरितिमा ने बताया कि जोनल डेवलपमेंट प्लान हेतु मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर को कंसल्टेंट नियुक्त करने का प्रस्ताव सरकार को भिजवाया जाएगा। भूखंडों की नंबरिंग हेतु अन्य विभागों के कार्मिकों एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी। फार्म हाउस योजना हेतु 110 बीघा भूमि ड्राफ्ट लेआउट प्लान स्वीकृति हेतु तथा आवासीय योजना संख्या 5 हेतु 9 बीघा भूमि का पुनः लेआउट प्लान स्वीकृति हेतु प्रस्ताव STP बीकानेर को भिजवाया जाएगा। रिद्धि सिद्धि प्लैटिनम में गुरुद्वारा हेतु तथा महालक्ष्मी एनक्लेव में पंचायत भवन हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए जाने का भी निर्णय लिया गया है। श्रीगंगानगर पुरानी धान मंडी में स्थित शगुन होटल में बुधवार शाम मामूली आग लग गई। दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पूर्व मामूली आग बुझ चुकी थी। दमकल से मिली जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे होटल में आग लगने की सूचना मिलने पर एक गाड़ी को मौके पर भेजा गया। होटल में एक एग्जॉस्ट फैन में मामूली आग लगी थी। होटल के कर्मचारी ने हड़बड़ाहट में दोबारा फोन कर दिया, ऐसे में दूसरी गाड़ी को भी भेजना पड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।